नमस्कार, MKS न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही खास न्यूज है, और ये जो न्यूज है आप सुनने के बाद मैं अचंभित हो जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप बायो हैकिंग के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। नॉर्मली हैकिंग के बारे में आपने जाना ही होगा और जानते ही होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो कोई ना कोई वीडियो ऐसी मिल ही जाती है जिसमें हैकिंग वगैरह के बारे में सिखाया बताया जाता है। परंतु अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही नई चीज़ अब आई है, उसका नाम है बायो हैकिंग। बायो हैकिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। तो दरअसल क्या होता है कि बायो हैकिंग में कुछ चीज़ें जो होती हैं, यानी कि कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो शरीर के अंदर इम्प्लांट की जाती है, जिसके द्वारा कोई भी चीज़ को आसानी से और बड़े सामान्य तरीके से टेक्निकली हैक कर लिया जाता है। तो अभी हाल ही में एक टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंजीनियर है जिनका नाम MEDD है, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बायो हैकिंग का एक नमूना पेश किया है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने एक हाथ के द्वारा एक चिप लगा करके अपने हाथ में, एक इंस्टॉल करके चिप अपने हाथ के अंदर, और उसके द्वारा उन्होंने एक टेस्ला की कार को हैक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये MEDD है कौन। MEDD जो है एक गेम डेवलपर और प्रोग्रामर है। वैसे ये इंजीनियर पैसे से एक इंजीनियर हैं, और साथ ही साथ ये ब्लॉगिंग भी करती हैं, वीडियोज़ वगैरह शेयर करती रहती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि यूट्यूब। तो इनका एक जो वीडियो अभी आया है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है कि किस तरह से बायो हैकिंग को उन्होंने अंजाम दिया और किस तरह से उन्होंने टेस्ला की कार को बहुत ही आसान तरीके से हैक किया। तो अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किस तरह से इसको अंजाम दिया, यानी कि किस तरह से उसको उन्होंने टेस्ला की कार को हैक किया। टेस्ला की जो मॉडल 3 कार है उसमें एक वैलिड कार्ड होता है, उसके अंदर ही उसकी की होती है, यानी कि उसमें टेक्निकली तौर पर की तरह काम करता है वो। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह आता है कि टेस्ला की मॉडल 3 कार को उन्होंने किस तरह से हैक किया। मॉडल 3 जो कार है टेस्ला की, उसके लिए जो चिप की तरह से एक वैलिड दिया जाता है जिसके द्वारा वो अनलॉक हो जाती है। तो उन्होंने उस कार्ड से RFID चिप निकाल करके अपने हाथ में इंस्टॉल कर लिया, यानी कि हाथ में इंस्टॉल करने के लिए चिप को उन्होंने एक प्रोफेशनल बॉडी मॉडिफिकेशन की मदद ली। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब MEDD ने बायो हैकिंग की हो। इससे पहले भी एमी ने अपने दूसरे हाथ में घर का दरवाजा खोलने के लिए एक्सेस कंट्रोल का चिप लगवाया था। इसकी जानकारी एमी ने खुद अपने ब्लॉग में दी है। इस चिप के जरिए एमी अपने घर का दरवाजा खोलती हैं। एमी ने बताया कि हाथ में कार की चाबी का चिप इंस्टॉल कराने के पीछे का मकसद हाथ से कार को स्टार्ट करने का था। एमी ने यह भी बताया कि वह टेस्ला की बग बाउंड्री प्रोग्राम में शामिल है। ऐसे में टेस्ला एमी को एक मोटी रकम भी देगी। हालांकि रकम का खुलासा नहीं हुआ है। हाथ में चिप को इंस्टॉल करने के बाद एमी आराम से अपनी टेस्ला कार को स्टार्ट करती हैं। अब उन्हें चाबी कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी कार को अपने हाथ के द्वारा ही स्टार्ट कर लेती हैं। तो इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे अपने साथ में आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में बायो हैकिंग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, एक बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है, एक बहुत बड़ा एक स्कोप है बायो हैकिंग का। कहीं ना कहीं आप भी साइंस फिक्शन मूवीज़ का फ़ैन रहे होंगे या देखते होंगे या फ़ैन होंगे, तो आपको ही पता है कि बायो हैकिंग की किस तरह से साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया गया है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और लेटेस्ट टेक अपडेट्स के साथ में।